नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों में बगावत के सुर तेज हो चले हैं और अब ये बगावत के सुर आ रहे हैं विपक्षी खेमे से। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की, जिन्होंने अपने ही वरिष्ठ नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अपना बयान दिया था और पार्टी को राम विरोधी बताया था। और अब कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कार्यवाही की जानकारी दी है। हाल ही के समय से ही कांग्रेस के हाल बेहद खराब चल रहे हैं। कभी कोई पार्टी से इस्तीफा दे रहा है तो कभी किसी को पार्टी से विवादित बयानों के चलते निष्कासित किया जा रहा है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से कांग्रेस पर लगातार हमलावर थे। वे अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से ही नफरत है। कांग्रेस का राम मंदिर प्रस्ताव ठुकराने पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपना बयान दिया था और कहा था, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। इस फैसले से कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। निमंत्रण को स्वीकार ना करना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। राम मंदिर का उद्घाटन समूचे देश का उत्सव है। जिन लोगों को भी राम मंदिर के उद्घाटन पर जाने का निमंत्रण मिला है उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए। यह सौभाग्य होगा, निमंत्रण ठुकराना दुर्भाग्य की बात होगी। भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार ना करना दुखद है, ये पीड़ादायक है, ये कष्टदायक है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार पीएम मोदी की भी सराहना की है और वहीं हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, जिसके बाद उनकी पीएम संग तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी और कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि शायद प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद इन सभी कयासों को सरासर नकार दिया गया। वहीं राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी प्रमोद कृष्णम के बयान काफी चर्चा में रहे थे, जिसके बाद उनके ऊपर पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देने का आरोप लगा था और अब पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें निष्कासित करने का निर्णय ले लिया गया है। लेकिन अब आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शांत नहीं बैठे हैं और कांग्रेस पर उन्होंने पलटवार किया है। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी टैग किया है और ये पोस्ट उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से किया है। बहरहाल कृष्णम के इस बयान के बाद इतना तो साफ है कि उन्हें कांग्रेस से निष्कासित होने का कोई गम नहीं सता रहा है और उनके लिए भगवान राम का दर्जा सबसे ऊपर है। फिलहाल अब देखना यह है कि कांग्रेस के इस कदम के बाद अब बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या अब आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर अब वो एक लंबे समय तक इंतजार करेंगे कि कब उनकी ये 6 साल की सजा या कहे कि 6 साल के लिए जो उनको निष्कासित किया गया है वो 6 साल इंतजार कर एक बार फिर से कांग्रेस का ही दामन थामेंगे। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।